एक बात काफी फेमस है, ए फ्रेंड इन नीड, ए फ्रेंड इन डीड। जी हाँ, प्रॉब्लम के टाइम में जो साथ देता है वही असली दोस्त होता है। हम लोग हमेशा टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, नए स्मार्टफोन्स के बारे में बात करते हैं, नए टेलीकॉम प्रीपेड पोस्टपेड प्लान्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम के टाइम में कौन सा कंपनी सही से हम लोग को सर्विस देता है ये जानना काफी जरूरी है। मेरा हाल फिलहाल में एक्सपीरियंस हुआ स्मार्टफोन मतलब मोबाइल नेटवर्क के साथ। कोलकाता में 19th ऑफ दिस मंथ को आमफान आया था, मतलब कोलकाता उड़ीसा इंडिया में, और यहाँ पर कोलकाता में मैक्सिमम चीज तहस नहस हो गया। कोलकाता से जब गया इसका स्पीड था लगभग 110 से 130 किलोमीटर के आसपास, और चारों तरफ तहस नहस हो गया। आज लगभग 7 से 8 दिन होने को है, अभी भी कुछ कुछ सर्विसेज सही नहीं हुआ है। कुछ कुछ जगह पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, केबल नहीं है, और भी बहुत सारे सर्विसेज मिसिंग है। बात करेंगे मोबाइल नेटवर्क के बारे में। मैं जनरली 4 नेटवर्क को फॉलो किया हूँ, एक है आपका एयरटेल, दूसरा है आपका जियो, उसके बाद है वोडाफोन, लास्ट में आपका है आइडिया। मेरे पास प्राइमरी सिम में एयरटेल रहता है और सेकेंडरी में मैं जियो का इस्तेमाल करता हूँ, और बाकी मेरे घर में भी एयरटेल भी है, वोडाफोन भी है और आइडिया भी है। जब तूफान हो रहा था तब सब में टावर था, तूफान होने के बाद एयरटेल का टावर चला गया, एकमात्र जियो था जिसमें सर्विस था, वोडाफोन आइडिया का भी टावर नहीं था। तूफान के बाद सारा रात बीत गया, सुबह को मैंने जब उठा तब देखा चारों में सही से टावर है, सुबह 9 बजे के आसपास, मतलब तूफान के बाद वाला दिन। 9 बजे के बाद से मैंने देखा एयरटेल कंप्लीटली डाउन हो गया, एकमात्र जियो था, लेकिन जियो का भी फुल टावर जनरली आता है, वो 50% टावर था, दो बार या फिर कभी कभी एक बार दिखाई दे रहा था, मतलब पुअर क्वालिटी था, लेकिन था, एटलीस्ट यू कैन कॉल समवन, एटलीस्ट नेट काम छोड़ देता है, नेट मैंने तब उतना ज्यादा चेक नहीं किया था। वोडाफोन में टावर था, आइडिया में टावर तब नहीं था कुछ टाइम के लिए, बाद में देखा आइडिया में भी टावर आ गया, लेकिन एयरटेल कंप्लीटली डाउन था। उसके बाद कंटिन्यूसली 1 दिन 2 दिन 3 दिन एयरटेल का कोई नामो निशान नहीं था, एकमात्र जियो था जो हम लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा था, जो हम लोगों को कॉल क्वालिटी प्रोवाइड को हमने कॉलिंग प्रोवाइड कर रहा था। जियो का इंटरनेट घर में नहीं मिल रहा था, लेकिन छत पे जाने के बाद थोड़ा बहुत जियो का इंटरनेट मतलब 4G काइंड ऑफ स्पीड मिल रहा था, बाकी टाइम पे वही 20-30-40 KBPS अगर आप घर में रहते हो तो नेटवर्क में प्रॉब्लम था, लेकिन जियो फर्स्ट टू लास्ट बहुत अच्छा सर्विस दिया। जहां तक वोडाफोन आइडिया का सवाल है, वोडाफोन आइडिया भी कंटिन्यूसली सर्विस दिया, कभी कभी आ रहा था जा रहा था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक था, ऐसा नहीं कि एकदम ब्लैकआउट हो गया था। लेकिन एयरटेल वो जो ब्लैकआउट सेकेंड टाइम हुआ वो भी आया नहीं, बीच में एक बार आया चला गया, आया चला गया। अभी अगर प्रेजेंट सिनेरियो देखा जाए, आज लगभग 7 से 8 दिन हो गया, टुडे इज 27th, आज भी एयरटेल का 4G नेटवर्क नहीं चल रहा है। चल भी रहा है, छत में जाके कभी थोड़ा बहुत देर तो हिलाता हो तो हल्का फुल्का चलता है, लेकिन बाकी जनरली 3G काइंड ऑफ है, और उससे भी नीचे काइंड ऑफ स्पीड मिल रहा है। किसका स्पीड मिल रहा है? जियो का। जी हाँ, जियो का कंटिन्यूअसली स्पीड मिल रहा है, लेकिन जियो में भी एक प्रॉब्लम है। मैंने जो प्रॉब्लम फेस किया, जियो का मेरा जो प्लान है जनरली 1 GB डेटा लिमिट है, क्योंकि जियो में सेकेंडरी सिम था तो मैंने जस्ट नॉर्मली रिचार्ज किया, 1 GB डेटा लिमिट है। उसके बाद मुझे एक फ्री 10 GB डेटा दिया गया था जो एड ऑन पैक काफी दिन से पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको ऐड किया। ऐड करने के बाद मैं लास्ट 2 दिन से देख रहा हूं 1 GB डेटा मेरा जो खत्म हो जा रहा है, उसके बाद वो वाला प्लान ऑटोमेटिकली नहीं चल रहा है, क्योंकि मेरे प्लान पे दिखा रहा है लेकिन वो ऑटोमेटिकली 10 GB स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया, और अभी कस्टमर केयर में कॉल करना भी काफी मुश्किल है, काफी टाइम लगा। उसके बाद कस्टमर केयर में कॉल रिसीव हुआ, उन्होंने बताया कि ठीक है सर, मैं कंप्लेन ले ले रहा हूं, आपका तो हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा है, नहीं हुआ। फिर मैंने 2-4 घंटे वेट किया, नहीं हुआ जब, तब मैंने 51 रुपीज का एक रिचार्ज करवाया, जहां पर अभी 6 GB का डेटा फ्री दिया जा रहा है। जब भी मैंने 51 रिचार्ज किया, तब धड़ाक से 51 रुपीज में जो 6 GB रहता है उसमें से डेटा काटना स्टार्ट हो गया। अभी जैसे मैं अभी इस्तेमाल किया, 2-4 वीडियो मैंने जो अपलोड किया सभी जियो से कर रहा हूं, लेकिन वो 10 GB जो फ्री डेटा है उससे नहीं कट रहा है। तो ये वाला भी मुझे थोड़ा लोचा लगा, मतलब फ्री में जो मिला है इसीलिए वो नहीं चल रहा है, पैसा देके मैंने जब लिया तब वो चल रहा है। मतलब जो भी है, जियो का ये प्रॉब्लम है, ये भी सॉर्ट आउट होना जरूरी है। मेरा भी इमरजेंसी, इसलिए मैंने रिचार्ज करवा लिया, क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड करना है, तो ये चीज है। अभी अगर वोडाफोन और आइडिया देखा जाए ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन उसका भी स्पीड उतना अच्छा नहीं है, कॉलिंग क्वालिटी ठीक ठाक है। जहां तक रिलायंस जियो और एयरटेल का सवाल है, एयरटेल और रिलायंस जियो का कॉल क्वालिटी लगभग ठीक ठाक है, जियो टू जियो कॉलिंग सही से हो जाता है, जियो टू एयरटेल या फिर जियो टू वोडाफोन अगर करते हैं थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। अब ये दिक्कत क्या है, काफी इनफ्रीक्वेंट है, मतलब क्या है, कभी हो रहा है, मतलब 5 कॉल के हो सकता है, 3 कॉल में डिस्टर्ब है, 2 कॉल सही से लग जा रहा है, तो ऐसे अप्स एंड डाउन होता रहता है। इसीलिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कभी इमरजेंसी या फिर इंपॉर्टेंट कॉल करना है, मैं जनरली छत पे जाता हूँ, हालांकि तब शायद अच्छा टावर मिले, उसके बाद मैं इस्तेमाल करूँ। अभी भी घर के अंदर यहाँ पर जैसे टावर 3 या 4 अप डाउन कर रहा है, लेकिन जो दिक्कत ये है, एयरटेल का इंटरनेट एकदम नहीं चल रहा है। तो मुझे ये समझ में आ गया, जियो एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर था जो इतने तूफान के अंदर भी पूरा कंटिन्यूसली सर्विस दिया, कम हो ज्यादा हो, अभी जैसे
फुल फ्लेज में सर्विस दे रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत नेटवर्क कम फ्लैक्चुएट कर रहा है, कॉल में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन फिर भी 4G स्पीड आपको मिल रहा है। लेकिन बाकी जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स है वो उन्होंने उतना अच्छा काम नहीं किया। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इतना बड़ा मतलब नेशनल डिजास्टर के बाद भी रिलायंस जो जैसे सर्विस दिया, रियली हैट्स ऑफ टू देम, और मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। इनफैक्ट नो डाउट, आप बताओ अगर आपका एक्सपीरियंस कैसा है आपके सर्विस प्रोवाइडर के साथ, आपको क्या लगता है आपके एरिया में कौन सा सर्विस प्रोवाइडर सबसे अच्छा सर्विस प्रोवाइड करता है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा, आप डेफिनेटली अपना एक्सपीरियंस कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वाला भी अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। उसके साथ साथ यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर, फेसबुक एंड श्योरली ऑन इंस्टाग्राम, विच इज इंस्टाग्राम स्लैश रियाडो 15। सो इस वीडियो में अभी तक लेता है, दिस योर होस्ट एमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम रियाडो, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।